विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामितम्। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए जे गुरु वैष्णवों का अपमान जहाँ है वो गुरु वैष्णव का अपमान में चुपचाप रहना भजन का बड़ा नुकसान देने वाला है। श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी भोपाल जी ने बताए गुरु वैष्णव का अपमान में चुपचाप रहना मौन रहना जवाब नहीं देना ये भजन का खिलाफ है, सत्यानाश हो जाता है भजन में। काल इस विषय थोड़ा चर्चा हो पाया, काल देखे जगत गुरु साक्षात शंकर भगवान, शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ। शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ और उस समय जो देवी मैया कितना सुंदर जवाब दी। साक्षात हमने देखे हैं गुरुपाद पद्म, कभी गुरुपाद पद्म का जिंदगी में कभी हमने क्रोध नहीं देखा, काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं। लेकिन एक दफे महाराज जी परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज जी का साथ एक साथ किसी जगह से होकर एक गाड़ी से टैक्सी लेकर मठ में आए और गाड़ी वाले बार बार बोलते रहे कि हमको इतना पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन नियम नहीं है। नियम है जो भाड़ा हुए वही दे, महाराज जी कुछ नहीं बात कुछ नहीं बताए। इसके बाद जब मठ में आए महाराज जी सामान लेके उतर गए परम पूज्य माधव गोस्वामी महाराज, और पैसा जो मीटर में आया वो दे दिया, निकाल के मंदिर का अंदर चला गया। लेकिन टैक्सी वाला ने गाड़ी वाला ने एकदम फालतू एक गाली दिया, देने का साथ साथ गुरुपाद पद्म एकदम जैसे आग जैसा हो गया, सारे लोग इकट्ठा हो गया। उस दिन पता चला ये प्रभुपाद का जो बात है ये कितना बड़ा सच्चा है। गुरु वैष्णव का जहाँ अपमान है वहाँ चुपचाप रहना मतलब आपका भजन का सत्यानाश हो जाए। काल देवी जी देवी मैया का भी और जो दक्ष महाराज जी का यज्ञस्थल वहाँ देखे, जो शिव जी महाराज का इतना बड़ा अपमान, तमाम शास्त्रों में शंकर भगवान का तत्व बड़ा ऊंचा है। शंकर भगवान का जो तत्व है इतना बड़ा ऊंचा है तो आपको क्या बताएं। और भागवत का सिद्धांत तो है वैष्णवानम यथा शंभु, इतना बड़ा, और उसका अपमान देवी मैया देखे पहले ही बता दिया था, जाओगे तो मंगल ततो भूतम न भविष्य ततो क्या कहे कि मंगल नहीं होगा, ततो स्वंग न भविष्यति, स्वंग मतलब मंगल न भविष्यति, मंगल होगा नहीं अगर जाओ तो। लेकिन ऐसा ही नियति है, उधर जाके देवी मैया जो सिद्धांत तो बताए वो गौड़िया मठ गौड़ियो समाज के लिए, गौड़िया समाज के लिए नहीं पूरा संत समाज के लिए एक जो भजन करे उसका लिए एक बड़ा शिक्षा है। जो अगर गुरु वैष्णव का अपमान देखे तो तुम अगर दुबला दुर्बल हो तो कान को एकदम पकड़ के बाहर चले जाओ,
कान को बंद करके बाहर चले जाओ, नहीं तो उसका जवान को खींच कर काट दो। उसका मतलब ये नहीं, पोपात बताए जवान को खींच के काट दो मतलब वो सभी का जवान काटना शुरू कर दोगे तो लड़ाई, ऐसा नहीं। मतलब उसका जो जवान है उसको बंद कर दो, अपना विचार के द्वारा, अपना शक्ति के द्वारा, उसका भक्ति के द्वारा उसका जवान को बंद कर, नहीं तो अपना शरीर को छोड़ दो, अपना शरीर को छोड़ दो। ये तीनों विचार है, ये तीनों विचार में देवी जी काल देखे अपना शरीर को ही छोड़ दिए, अपना तमाम शरीर को ही छोड़ दिए। क्योंकि वो जो यज्ञस्थल में शंकर जी का जगत गुरु, उसका अपमान वो सहन नहीं हुआ। काल देवी मैया का एक भी विचार सुंदर, दोषान परेशान ही गुणेशु साधव गृहंती कचित भवादृशा दिया गुणांश फलगुण करिष्णव महत्तमास्तेषु महत् बलचन महत्तमास्तेषु अविद्वत भवानकम। तीन किस्म का आदमी मिलता है, एक दोष को दोष बोलता है, गुण को गुण बोलता है, दूसरा किस्म का है जो दोष दो जो जो गुणों का अंदर में दोष आरोप करता है, गुणों का अंदर में दोष आरोप करता है, और एक किस्म का है बहुत सारे दोष है लेकिन परमहंस वृत्ति है, उसको कोई दोष नहीं देखता, दोषों का अंदर में गुण देखता है। तो देवी मैया बताए कि आप जो है, आप तो शंकर सदगुण का खजाना है, उसका आप दोष देखा इतना, तो आपका जो संबंध है, आपका साथ जो मेरा संबंध है वो हम एकदम मिटा देंगे, रखेंगे नहीं। पहले ही देवी जी बताए, जब पहले ही देवी जी जब बोले हम यज्ञ क्षेत्र में जाए, शंकर भगवान माना किए उषा मत जाओ, क्योंकि जहाँ संत महात्मा का अपमान है वहाँ जाना सख्त माना है, जहाँ संत महात्मा का अपमान होता है, सुरेश लोक ओपी नौवई से बताम, जहाँ सुरेश लोक मतलब देवता का लोक हो वहाँ भी जाना नहीं चाहिए। अगर जहाँ गुरु वैष्णव का अपमान है, जहाँ संकीर्तन नहीं है, जहाँ ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, उचित नहीं। लेकिन देवी जी ने युक्ति दिए कि देखो पिता का घर है, दोस्तों का घर है, गुरु का घर है, और बिना बुलाए भी जा सकता। लेकिन शंकर जी ने बताया कि देखो जहाँ गुरु वैष्णव का अपमान है, जहाँ विद्वेष है वहाँ बिल्कुल बन जाओ। इसलिए मैं जहाँ विद्वेष है वहाँ नहीं जाता, हरिकथा भी आनंद लगता, क्या करे, विद्वेष जहाँ है बिल्कुल उधर नहीं जाते, ना तो खाने पीने देखने कुछ नहीं जाते, बिल्कुल छोड़ दिए। तब उसके लिए मेरा विद्वेष नहीं है, वो लोग हमको विद्वेष करें हमारा विद्वेष है ऐसा नहीं, लेकिन हम उस जगह को अवॉइड करते, छोड़ देते, कोई जरूरत नहीं है। और काल बताया था विद्या तपो वित्तो वपुर वयो कुलई सतान गुणई शरवि रसोत्तम ईतरई स्मृतो हतायम मृतमान दुर्दशह शब्दान पश्यंती ही धाम भूयसम। ये जो विद्या है, तप है, वित्तो धन दौलत, सुंदर देखने में, ये सब जो गुणावली है ये साधुओं के लिए भूषण है, ये सब साधु के लिए भूषण है, और नहीं तो बद्ध जीव के लिए बड़ा भारी अमंगलदायक है। दशम स्कंद में देखोगे वहाँ कुबेरात्मजो दो कितना अभिमान के द्वारा स्फीत होकर, अभिमान स्फीत होकर वो लोग
नारद जी को अपमान किए, माने सम्मान नहीं किए। वहां भी ये प्रसंग है सुंदर। और ये जन्म ऐश्वर्य सुतोषी चार बड़ा अभिमान देने वाला है। चारों में एक भी रहे या तो दो रहे, तीन रहे, चार रहे, कोई भी, ये अभिमान देने वाला। लेकिन साधुओं के लिए कुछ नहीं होता। भगवान शंकर ने ये सब बात समझाए, बोले देखो देखो, कोई अगर किसी को किसी भी हालत से किसी का शरीर में अगर जख्म हो गया, शरीर जख्म हो गया, तो वो जख्म के द्वारा बहुत उसका कष्ट है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि फिर भी वो उसका इतना जख्म है, कष्ट हो है, फिर भी वो सोए तो थोड़ा बहुत नींद आ सकता। लेकिन जिन्होंने खामा खा किसी का हृदय को दुखाया, तीर चलाया अपमान का, निंदा का, वो जो कष्ट देता, एक व्यक्ति दूसरे को अपमान करता है, कष्ट देता है, वो जो हृदय में जो जख्म हो जाता है, वो लेके विश्राम करना, सोना भी मुश्किल है। इतना शंकर भगवान जी ने ये सब। और आप बताते हो कि हाँ दोस्तों का घर सब जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विद्वेष है वहाँ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद देवी मैया अपना शरीर को छोड़ दी, आग जला माने जोगाग्नि के द्वारा अपना शरीर को छोड़ दी। वास्तव विचार ये है गौड़ीय समाज का, श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टक बताए 8 श्लोक, ये शिक्षाष्टक का अंदर तमाम शास्त्रों जो है, जितना सारे शास्त्र है, सभी का विचार उसका अंदर में दिया हुआ है। यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, प्रभुपाद जी ने यह बताए, ये तमाम गोस्वामी लोगों का जितना सारे ग्रंथ है, तमाम ग्रंथ जो है ये शिक्षा स्टॉक का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, तमाम जितना सारे ग्रंथ है गोस्वामी लोग, इतना वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ जितना सारे हैं, सारे शिक्षा स्टॉक का ही व्याख्या। और बार बार कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी ने बताए कि देखो भक्त मंडली, आप लोगों का चरण पे, कृष्णदास को विराज बार बार ऐसा कहते, श्रोता सब जितना सारे श्रोता है उनका चरण बंदन किए बार बार, बाप रे बाप कितना दैन्य है। बोले श्रोता सब ये सब विश्वास करो, आकीन मानो, ये जो महाप्रभु का 3रा नंबर श्लोक है, तिनाद भी सुनी चुनो तरु सही सुना अमानी न मानो न कीर्तनियो सदा हरी, ये श्लोक को कंठ में हार बनाकर पहन लो। और महाप्रभु का नाम लेके मैं कहता हूँ आपका सिद्धि हो जाएगा। भक्तगण सब ये श्लोक को कंठ में हार बना के पहन लो और देखोगे आपका सिद्धि एकदम 100% होगा ही होगा, कोई भूल नहीं। क्योंकि कीर्तनकारी का सबसे बड़ा यही योग्यता है, कीर्तनकारी का योग्यता यही है, जो वो अपना प्रतिष्ठा जो है, कामिनी कांचन प्रतिष्ठा जो उस दिन बताए थे, कामिनी जोशीत कांचन जोशीत प्रतिष्ठा, इसमें किसी चीज़ों में इसका कोई स्पर्श नहीं होता। वैष्णव का प्रसंग आया ना शंकर भगवान का, तो दक्ष जो है वो तो संसारी वस्तु में दक्ष है। दक्ष जिसका नाम है वो रक्त मांसो संसार ये सब चीज़ में दक्ष है। रक्त मांसो मतलब ये दुनियादारी का चीज़ों में दक्ष है। ये शंकर का जो गुनावली वो देख नहीं पाया, इतना अंधा है। जो तिनाद भी सुनिश का शंकर भगवान एकदम मूर्त विग्रह है, तमाम जितना भोग का सामान है, कोई अगर अच्छा चीज़ देने जाए शंकर भगवान ठाकुर जी को दे देते हैं। देखो कि विचार करके देखो, जितना सारे अच्छा फूल है,
जितना सारा अच्छा कपड़ा है, जितना सारे सौगंध है, सब कुछ शंकर भगवान ठाकुर जी का लिए दे दिया। और इसीलिए देखो शंकर भगवान जो कोई लेता नहीं, जो सब फूल एकदम फेंक देता है, वो सब फूल शंकर भगवान बोले इसी को हमको पूजा करना, दूतरा आकंद ये सब कोई लेता नहीं, इसका क्या दाम है। शंकर भगवान कृष्णार्थ अखिल त्याग, कृष्णो का सेवा के लिए सारे बोले जितना अच्छा सारे अच्छा चीज है सब छोड़ दी, यहां तक कि नीमक बिना नीमक शंकर जी खाते हैं, शंकर जी भोग लगता है नीमक नहीं, बिना नीमक ऐसा पवित्र। और यहां जो है जो व्यक्ति ये जो धन दौलत अच्छा खानदान विद्वा सुंदर देखने में ये सब चीजों के द्वारा जो अभिमान आ जाते हैं, तो तभी वो धाम भूयसा मने इतना जो धाम तेजियान व्यक्ति गुरु वैष्णव तेजियान व्यक्ति का जो गुण है उसका जो प्रभाव है वो देख नहीं सकता, अंधा बन जाता है, नियम है ये अभिमान के द्वारा अंधा हो जाता है और देख नहीं पाता। और तीनादुपी चैतन्य महाप्रभु का जितना सारे पार्षद है उनमें देखो, झोड़ू कालिदास का देखो, झोड़ू कालिदास का देखो, झोड़ू कालिदास जी नीचा खानदान में पैदा हुआ, एकदम नीचा खानदान में। तो इसलिए झोड़ू ठाकुर जो है किसी को रसोई करके दे भी नहीं सकता, इतना वो सोचते कि हम नीचा खानदान में हैं। एक दफे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके संबंध में चाचा लगता है कालिदास, वो एक दफे आम का पेटोरी लेके एक आम का झोला लेके गया, मीठा आम देखे झोरू ठाकुर का उधर रखा, वो झोरू ठाकुर को बताया आपने थोड़ा कृपा करके इसको भोग लगा देना और दंडवत किए। और झोरू ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया, बोल हम आपके कैसे सत्कार करें, क्योंकि हम तो नीचा खानदान का है, हम कैसे इसको आपको रोसी करके खल खिलाए। तो ऐसा करें हम रोसी करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण का घर में हम सब सामान दे देते हैं, उधर आप भोजन करके जाओ। बोले महाराज हम भोजन करके आए हैं, तो आपसे थोड़ा भक्ति लेने के लिए आए। बोले राम राम ऐसा मत कहो, बैठ के इष्ट गोष्ठ हुआ। उसके बाद झोरू ठाकुर जी ने बोला तुरंत इसको भोग लगा देना, बोल के कालिदास प्रभु जो है वो छुपे रहे एक जगह। और झोरू ठाकुर जी ने वो आम का पेटोरी से आम निकाला और अपना पत्नी को बताए ये आप भोग लगाओ तुरंत, क्योंकि वैष्णव बोल के गया भोग लगाने के लिए। भोग लगाया, भोग लगा के आम को पाया, मीठा आम पाने का बाद वो छिलका जो है सब जो है फेंक दिया, कहाँ कूड़ेदानी में फेंक दिया, कूड़ेदानी जहाँ। और यहाँ जो अंधेरा छा गया और जहाँ वो छुप के देख रहा है कहाँ फेंक रहा है, वो उच्छिष्ट जो गर्त हैं जहाँ फेंका आम का छिलका गुठली, और कालिदास जाके वहाँ से उठाकर चाटना शुरू कर दिया वो सब गुठली और छिलका, और आंसू आया उसका दिल में। ये जो कालिदास जी है, कालिदास जी जो जिसका नाम हम अभी बताए, वो सारे वैष्णव लोगों का झूठन खाते थे, क्योंकि उसको विश्वास था वैष्णव लोगों का झूठन इतना पावरफुल है जो हम किसी भी अवस्था में रहे हमको ले जाएगा, इसीलिए वो झूठा खाया। आज सचमुच सच्चा हुआ जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में जब जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु का नियम था जो एक जगह चैतन्य महाप्रभु पहले पैर को धोते थे, पैर धो के जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु का पैर धोने का जो पानी है, किसी का हिम्मत नहीं वो पानी को ले ले, महा लेने नहीं देते, बिल्कुल सख्त माना था मेरा चरण का जो पानी है किसी को लेने नहीं दो, गोविंद को बताया कोई ना ले। तो एक दफे वो कालिदास क्या की,
महाप्रभु पैर को धोते रहे और उच्चारण को ऐसा करके पीते रहे, ऐसा करके तीन बार पिया। उसके बाद महाप्रभु बस हो गया, तीन बार तुमको किया, क्योंकि हमारा जानकारी है तुम्हारा वैष्णव उच्छिष्ट में इतना विश्वास है, तो वैष्णव का उच्छिष्ट पाते पाते तुम्हारा इतना विश्वास है तो तुम हमको जय कर लिया, इसीलिए मेरा चरण जल तुमको दिया और बस करो बंद करो, ऐसा है। ये शंकर भगवान जो है इनके बारे में ये सब प्रसंग आया, इतना त्रिनादपि भाव किसी का अंदर में नहीं। शास्त्रों में बताया गया शंकर तत्व इतना गंभीर है ये ब्रह्मा जी भी डरता है, ब्रह्मा जी डरता है, शंकर तत्व इतना गंभीर है। सारे जितना सारे दुनिया का जित अच्छा अच्छा चीज है सब ठाकुर जी का लिए छोड़ दिया, सब ठाकुर जी, कभी हविष्यान्न, कभी फल, कभी थोड़ा दूध, ये सब खाके रहे। शंकर भगवान का जिंदगी इतना तपस्या, तो जन्म ऐश्वर्य सुतोषी इसके द्वारा अभिमानी आता है, लेकिन ये तीनों भी, ये चारों में एक भी ना रहे वो पॉजिटिव पॉइंट है। किसी का जिंदगी में ये चारों में एक भी नहीं है, अर्थात अच्छा खानदान में पैदा भी नहीं हुआ, घर में कोई पैसा भी नहीं है, और देखने में भी सुंदर नहीं, विद्या भी नहीं है, और कभी कभी वो लोग रोते रहते हैं। हम बोले महाराज रोते क्यों हो, तुम्हारा यही तो भाग्य है, ठाकुर जी कृपा करके आपको चारों में एक भी नहीं दिया, क्योंकि आपका भजन जल्दी बने, चारों होता तो अभिमान आ जाता। हिसाब किया जाए तो जितना सारे आदमी भगवान को प्राप्त किए उसमें विचार करके देखो, इस चारों में एक भी नहीं है वो ज्यादा है, ये चारों में एक नहीं। हनुमान जी स्वयं बोल रहे तो हमारा कौन सी विद्या है, हम कौन सी खानदान में पैदा हुआ है, देखो है? हम देखने में कैसा है, फिर भी राम भगवान साक्षात राम मेरे ऊपर कितना कृपा की, इसका प्रसंग आएगा राम जी का लीला प्रसंग में। जो भी है ये अभी काल चर्चा करते करते ध्रुव महाराज जी का प्रसंग आया। ध्रुव महाराज जी जो है बच्चा है, 5 साल का बच्चा, लेकिन वो जो भजन का जो निष्ठा है वो उम्र के ऊपर उपेक्षित नहीं है, चाहे किसका उम्र 80 साल हो गया वो भगवत को प्राप्ति, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। छोटा उम्र है तो क्या हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। नचिकेता का 5 साल उम्र था, ध्रुव जी का 5 साल उम्र, प्रहलाद महाराज का 5 साल उम्र, 4-5 साल का उम्र, यहां तक कि शास्त्रों में बताया अगर भजन करना ही है तो कुमार आचय धर्मो, कुमार आचरित धर्म, कुमार काल में ही धर्म भागवत धर्म का आचरण शुरू होना चाहिए, बच्चा जब है ऐसा। तो ध्रुव महाराज जंगल में गए और तपस्या की, बड़ा भारी तपस्या की 6 महीना का अंदर, वही कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक, 6 महीना का अंदर ठाकुर जी को खींच कर लाया सामने, 6 महीना ठाकुर जी भागे आए, किस लिए आए, भले काल हम बताया था सारे भक्त लोग जो भजन करते हैं ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते, लेकिन ध्रुव महाराज के लिए उल्टा है, ध्रुव महाराज को दर्शन करने के लिए आए। भागवत में बताए मद भक्तो ददर शाह, देवता लोगों तुम लोग जाओ, हम अपना भक्तों को दर्शन करने के लिए जाएंगे, अपना भक्तों को दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए नहीं। कितना बड़ा ऊंचा बात है, ठाकुर जी हमारा भक्त तो कैसा है, इतना छोटा बच्चा वो कैसा है, उसको देखने के लिए हम गए। तो काल जो बताया था इतना तक हुआ था, जो ध्रुव महाराज जी का पास आए हुए हैं ठाकुर जी उपस्थित हुए, लेकिन ध्रुव महाराज अंतकरण में ठाकुर जी का दर्शन होते रहते हैं, इसलिए आंखें खुला नहीं, ठाकुर जी आ गए इधर लेकिन आंखें खुलता नहीं, क्योंकि आंखें खुलेगा कैसे, ठाकुर जी का दर्शन तो अंतर में हृदय में हो रहा है, तो ठाकुर जी ने सोचे तो आंखें खुलेगा नहीं, तो ऐसा किया अंतर से दर्शन बंद करा दिया,
अंतर्दर्शन जो है इसको बंद करा दिया। जब ही अंतर्दर्शन बंद करा दिया तुरंत क्या हुआ, वो आंखें खोला, बेचैन हो गया, ठाकुर जी कहाँ गया, अंतर में दर्शन हो रहा था कहाँ गया। जब ही आंखें खोले तो देखे महाराज सामने ठाकुर जी खड़ा हुआ है, एकदम कांपनारी बाप, साक्षात भगवान उपस्थित है। और क्या करें, वो बच्चा जो है अभी ठाकुर जी को देख के दंडवत किए और कुछ बोलना चाहे, लेकिन बच्चा है, पढ़ा लिखा तो उतना नहीं है। तो ठाकुर जी सोचे कि इसका ये जो गंड देश है, इधर अपना जो शंख है, शंख चक्र गदा पद रहता है, वो शंख ज्ञान का प्रतीक, वो स्पर्श करा दिया। कृतांजलिम बजे स्वात्वम विवक्षंतम अतद्विदम हरिर् ज्ञात्या अस्सो सर्वस्व च हृदय अवस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयी न कंबुना पर्शो वालम कृपया कुपले। कृपा करके इसका गंडोदेश में शंखों को स्पर्श करा दिया। करने का साथ साथ तमाम शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट हो गया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सब भी वृंदावन में ऐसा बहुत सारे घटना है। हमारा वो जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जो मानसी गंगा में रहते थे, मानसी गंगा में इतना भजनशील, बाप रे बाप पागल हो जाओ। वो एक दिन दुखी होकर राधे जी का चरण में प्रार्थना किया, अगर आप कृपा ना करो तो हमारा लिए कुछ नहीं होगा, हम तो पढ़ भी नहीं सकते अच्छा से, कुछ क्या करें, विद्या भी नहीं है, अच्छा खानदान में नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं है, और धन दौलत का बात तो छोड़ो, संत महात्मा है। उन्होंने राधा जी का चरण में ये बताकर पानी में कूद पड़े, 3 दिन पानी के अंदर कूद, किसी को पता नहीं चला बाबा कहाँ गया। 3 दिन का अंदर पानी का ऊपर आया, आदमी ढूंढते ढूंढते बाबा को उठाया। 3 दिन का अंदर जो अवस्था है वो बाबा मरा नहीं, 3 दिन पानी का अंदर उठा तो एकदम सारे शास्त्रों का ज्ञान, तमाम विद्या लेके, बाप रे बाप तमाम विद्या, वो किताब भी लिखना शुरू कर दिया राधा रानी। और ये बात हुआ था। और एक मधुसूदन, सिद्ध मधुसूदन बाबा, जहां हम पहले भजन करने का बहाना करते थे, भजन तो नहीं जानते, सूर्य कुंड में, सूर्य कुंड जहां मधुपान सूर्य पूजा खेला, वहां वहां मधुसूदन, सिद्ध मधुसूदन बाबा, वो बोले, किसी ने बोला जो परंपरा का आपका जो सिद्ध परिचय अगर ना मिले तो भजन बेकार है। तो इतना सालों हम भजन किए, हमारा भजन बेकार हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम पानी में कूद के मरेंगे। पानी में कूदा और दुख, रोते रोते बोला, हमारा सर भजन नहीं हुआ राधा रानी, हम क्या करें, हमारा तो परंपरा का जो हमारा गुरु परंपरा में हमारा परिचय क्या है तो हमको पता नहीं, परंपरा का अनुसार हमारा परिचय क्या है, हमारा तो सिद्ध परिचय पता नहीं, तो हम मरेंगे ठीक है, बोल के एकदम पानी में कूदा। पानी के कूदने के बहुत समय बाद राधा रानी ने उसको एक पत्थर के ऊपर लिखा हुआ चीज दे दिया, उसको लेकर ऊपर आया, उसमें लिखा हुआ है तेरा परिचय ये है, बोल के दे दिया। गुरु वैष्णव का जो दैन्य है, जो भक्ति है, ये समझ में नहीं आए। तो ये जो ध्रुव महाराज जी है, 5 साल का उम्र में होना ही चाहिए, क्योंकि गुरु कौन है, नारद जी महाराज स्वयं गुरु का काम की, गुरु है साक्षात नारद जी महाराज, नारद जी जिसको कृपा किया है तो उसको तो ऐसा करके। अब ध्रुव महाराज इतना विद्वान, अभी स्पर्श कराया तो सारे शास्त्रों का ज्ञान स्फूर्ति हुआ। जैसे सर्वम वटेजा जो इतना बड़ा विद्या था लेकिन फिर भी जड़, लोहे का मापी, लेकिन जब पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो गया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, तुरंत एकदम सारे चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, अपना अवस्था सारे बताना शुरू कर दिया ना। चैतन्य महाप्रभु ने जब तब दर्शन दिया, सर्वम वटेजाजु को कृपा किए, इतना बड़ा विद्वान महाप्रभु बोले तुम साक्षात बृहस्पति हो,
और उसका बाद जब चैतन्य महाप्रभु अपना स्वरूप को दिखाए, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही तुम्हारा चैतन्य है, जब दर्शन करा चतुर्भुज, हाँ दर्शन कराने का बाद कांपना शुरू कर दिया, फेंट अज्ञान होके गिर गया। चैतन्य महाप्रभु उसको चेतन कराए और चेतन कराने का बाद हाजा एकदम जवान से हवा चल रहा है, जैसे मुख से हवा चल रहा है, ऐसा स्तुति किया, हवा चल रहा है जैसा लगता हवा चल रहा है, विंड स्तुति की। और महाप्रभु ने बोले वो जो सिद्धांत है उसमें पूरा पक्का है, इतना समय तक इतना विद्वा है लेकिन कोई काम का नहीं था, भक्ति नहीं है, भगवान भगवान का स्वरूप को नहीं जानते। अभी जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ तो 100 श्लोक के द्वारा स्तुति किया। आ चैतन्य महाप्रभु बोले 100 श्लोक करी मरे जे कोई ले तुम्हें जे कोई ले स्तवन जे जन करीबी यार श्रवण कीर्तन, जो जो श्रवण करे और कीर्तन करे अवश्यता क्या होगा, हमारा चरण मिलेगा। तो यहां जो ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज अभी स्तुति कर रहा है, समान शास्त्रों का जो विचार है, तमाम शास्त्रों का विचार हृदय में प्रकट हो गया अभी उसका। और ध्रुव महाराज कहना शुरू कर दे, काल भी बोला था थोड़ा बहुत, जो अंत प्रवेश मम वाचमीम प्रसुप्त्याम संजीवयति अखिल शक्तिधर सधामना अन्यांश हस्त चरणो श्रवण श्रवण तौगादीन प्राणान नम भगवते पुरुषायतोभ्यम। जो अंतः प्रविश्य मम वाच मीमम प्रसुप्त्याम संजीवयति अखिल शक्तिधर सधामना अन्यांश हस्त चरणो श्रवण सर्वणोत्तगादीन प्राणानो नम भगवते पुरुषायतोभ्याम। जो हमारा अंतर में प्रविष्ट होकर हमारा सुप्त वचन शक्ति, हमारा सुप्त वाक शक्ति को प्रकट कर दिया, जिनके कृपा के द्वारा हमारा सारा इंद्रिय जो है, हाथ मुख नाक कान सब कुछ जितना इंद्रिय है सब काम कर रहा है, ये जो ठाकुर जी जो प्राण प्राणवायु ठाकुर जी निकल जाए तो प्राणवायु नहीं रहे, और वो जो है आप आपका चरण में रहा दंडवत है, हाँ प्राणवायु का रूप में भी आप है सारे, ऐसा जो आप है हमारा ज्ञान शक्ति को प्रकट कर दिया, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो सारे एक्टिव कर दे, यही आपका चरण में मेरा दंडवत रहे, ऐसा करके दंडवत किए। इसके बाद प्रार्थना किए, भक्तिंग मुहु प्रवहताम तई में प्रसंग भूयात अनंत महताम अमलाशयानम जेन अंजसोलवनम उरुव्यासनम भवाधिम नेश्ये भवद गुण कथामृत पान मत्वो। हे भगवान, जो सब संत महात्मा निर्मल चरित्र वाले पुरुष आपका सहित सत आपका चरण में सर्वदा निरंतर भक्ति योग के द्वारा संयुक्त है, वही सकल महापुरुष का सहित हमारा संग हो जाए। प्रार्थना ठाकुर जी का चरण में क्या करना चाहिए, जैसे भक्ति मनु ठाकुर जी ने किया, पथने पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे बा निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय, पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे बा निरये वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पशु पक्षी भी हुए तो अगर अंतर में ठाकुर जी का भाव है उसमें क्या कोई नुकसान होगा, नहीं होगा। पशु पक्षी हुए था कि स्वर्गे बा निरये तो दैन्य करके बताया बहुत सुंदर, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। तो ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी मेरा मेरे को ये कृपा करो, आपका जो आपका जो आपका चरण में भक्ति करने वाले जितना सारे संत महात्मा है अनर्गल आपका हरि कथा हरि कीर्तन में जुड़े हुए हैं,
ऐसा माफिक कोई संत महात्मा सब इन लोगों का साथ मेरा संबंध हो जाए, यही सबसे अच्छा चीज। क्योंकि ठाकुर जी का पास अगर रहोगे, ठाकुर जी तो अपना कीर्तन तो नहीं करेंगे, करे चैतन्य महाप्रभु का पास जब आपका ये प्रद्युम्न मिश्र पहुंचे और बोले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किए, थोड़ा हरिकथा सुनने के लिए आए आपका चरण। महाप्रभु बोले हरिकथा तो हम जानता नहीं, हरिकथा राय रामानंद जी का पास सुनता हूं मैं, आज तुमको अगर सुनना है तो उसका पास जाओ, वो इधर नहीं है। महाप्रभु अपना कीर्तन नहीं करते, यहां तक कि राय महाशय के साथ चर्चा करते समय भी ये बताया, राय महाशय के बोलते हम तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारा पास सीखने के लिए आए हैं, ये राधा तत्व कृष्ण तत्व भजन का जो गुप्त रहस्य है सब, ये जो सिद्धांतों का विचार है वो तुम्हारा सामने हम सुनने के लिए आए। राय महाशय बोले तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम हमारा जवान पे तुम ही बोल रहे हो और तुम ही सुन रहे हो, तुम ही श्रोता तुम ही वक्ता, ऐसा ही है। वास्तव जो हरिकथा का महल पैदा हो जाए उसमें ऐसा आनंद होता है, और नहीं तो विक्षेप हो जाता, थोड़ा बहुत माइंड ये सब उठ के या इधर उधर अभक्ति का परिवेश है उसमें मेरा भी असर पड़ता है, उल्टा कभी कभी चिंता में विक्षेप आ जाता, मुश्किल। तो शुद्ध भक्ति का जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है, ये कोई नाटक नहीं है जो बैठे यार गप कर दिए। इसे इधर बताए कि देखो ये लोगों का संग हो जाए, ठाकुर जी अपना गुनावली कभी नहीं कहते, ठाकुर जी अपना गुनावली कभी नहीं कहते, लेकिन भक्तों का जवान पे जो हरिकथा और कीर्तन निकालता है उसी वही संग हमारा प्रार्थनीय है। जो संग भक्त संग जो है वो संग हमको प्रार्थना करना चाहिए। इससे ध्रुव महाराज जी ऐसा प्रार्थना कर इन लोगों का संग हो जाए और गुण कथामृत पान में मत होकर सुख दुखों में दुरंतर भयंकर भवसागर हम अनायास पार होके चले जाएंगे, ऐसा कृपा करो। ऐसा प्रार्थना किए, बहुत सारे प्रार्थना करते करते यहाँ जो है फिर ध्रुव महाराज जी संक्षेप में बताएं कि बहुत सारे चीज है और ठाकुर जी उसको कृपा किए। ठाकुर जी बोले कृपा ले लो, कृपा करने के लिए आए हैं, तुम जाओ, जब राजधानी में तुम लौटोगे तुम्हारा पिता तो हालत बदल जाएगा, तुम्हारा पिता तुम्हारा लिए रो रहा है अभी और तुमको गद्दी में बैठा कर पिताजी चले जाएं, और तुम्हारा जो सत माँ है सतेली माँ, सतेली माँ उसका भी देह शांत हो जाएगा, क्योंकि उत्कल जो है उत्कल जंगल में जाएगा शिकार करने के लिए, वहाँ गुज्जक के द्वारा उसका प्राणनाश हो जाएगा, लड़ाई होगा आपस में, गुज्जकों ने उसको मार देगा, उसी का खोज में तुम्हारा सतेली माँ उधर पहुँचेगा, जंगल में पहुँचेगी और वहाँ दाबाग्नि में प्रविष्ट होकर वहाँ प्राण छोड़ देगा। अब तुम्हारा माँ जो सुनीति है वही वो रो रही है, जाओ, और पिता भी रो रहा है, ऐसा करके ध्रुव महाराज जी को आशीर्वाद करके भेजा। और महाराज 36,000 साल ध्रुव महाराज राजगद्दी संभाला। अंतिम में जब ठाकुर जी कृपा देना चाहा तो ध्रुव महाराज बोले हमको राजगद्दी नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले तुम तो राजगद्दी के लिए ही तो आया था, तुम जो जब प्रार्थना किए, तुमने जो भजन शुरू किए थे तब तो तुम्हारा अंदर में ये इच्छा था पिताजी को गोदी में बैठे, बैठने नहीं दिया सतेली माँ, तो तुम गए स्थाना विलास तपस स्थितम। ध्रुव महाराज खुद कह रहे हैं कि हम ये पोजीशन रैंक एंड पोजीशन रहता है ना, ये इसके लिए हम भजन तो शुरू किए ठाकुर जी, लेकिन भजन करते करते अभी हमारा अंदर में कोई इच्छा शेष नहीं रहा, कोई शेष नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छा हमारा खत्म हो गया क्योंकि आपका दर्शन हुआ, आपका दर्शन हो गया ना। काचन विचिन्न नोपी दिव्य रत्यम त्वम प्राप्तवान स्वामिन कितर्तोस्मि वरम न जाचे
हे स्वामी वर का और आशीर्वाद का दरकार, आप जो वर देना चाहते हो राजगोदी मिलेगा वो हमको कुछ नहीं चाहिए। टीकाकारों ने यह बताया कि महाराज आकांक्षा रहते हैं, जब कोई कामना वासना रहता है उस समय तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता, ध्रुव महाराज के कैसे हुआ, ये प्रश्न करता है टीकाकारों ने। इसमें विचार है, किसी का तो आज तक दिखा नहीं गया जिसका अंदर में कामना वासना है उसका ठाकुर जी मिल गया, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ध्रुव महाराज को ऐसा कैसे हुआ, ये प्रसंग आता है। इसका उत्तर ये है कि ध्रुव महाराज का अंदर में तो बच्चा है, एक तो है बच्चा, मासूम बच्चा, 5 साल का उम्र है, बुद्धि भी पक्का नहीं हुआ, बच्चा का तो दोष गुण ठाकुर जी कम ही देखता है, बच्चा का क्या दोष गुण है। तो ये बच्चा का अंदर में कामना वासना जो हुआ वो विचार, बच्चा है उसका विचार करने का शक्ति भी नहीं है, जो भी है ये कामना वासना को लेकर जब भजन शुरू किया, ठीक है कामना वासना को लेकर ही भजन शुरू किया, जो श्लोक हमने पहले बताया था एक दफे 4-5 दिन में, याद है किसी को याद है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धि तीव्रे न भक्ति योगे न जजे तो पुरुषम, है ना बताया था, अकाम या सर्व काम या मोक्ष काम, जो भी अवस्था में तुम हो लेकिन भगवान का ही भजन करो, ठाकुर जी का साक्षात भगवान कृष्ण का, और किसी का भजन मत करो, लाभ नहीं होगा। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार धी तीव्र न भक्ति, तीव्र भक्ति योग के द्वारा उसी का ही भजन। तो हम अगर ये पकड़ ले कि ध्रुव महाराज बच्चा है तो दोष है नहीं, मासूम बच्चा उसका कामना वासना है ही सही, ठीक है कामना वासना लेके शुरू की, लेकिन गुरु कौन है, गुरु तो नारद जी है, जिसका गुरु नारद जी है परमहंस श्रेष्ठ, क्या ये गुरु जिसका अंदर में कीपा संचारित करता है उसका ये क्षमता उसका पावर कम रह जाता। परमहंस गुरु नारद जी का मापिक जो शिष्यों का अंदर में शक्ति संचारित कर दे तो उसका क्या शक्ति का कमी रह जाएगा, क्या भजन का कमी रह जाएगा। जो चैतन्य महाप्रभु प्रमाण नहीं दिए व्याद का, व्याद व्याद का जो कहानी, एक वैद है निशंस, वो हिंसा वृत्ति है, वो वैद जंगल में रहते हैं और जितना सारे पशु पंखी है पशु पंछी जो है मार के खाता है, हरिन शिकार करता है, ये शिकार करता है, वो मार के ही खाता है, उसका काम ही यही है धंधा, और जंगल में रहता है एक एक को मारे उसके बाद उसको उठा के लाए जलाए उसको खाए, ऐसा जो व्याध है ऐसा हिंगस्र, ऐसा व्याध को भी नारद जी चेंज कर दिया, परिवर्तन दिया ना चैतन्य महाप्रभु बोला। ये इलाहाबाद का रास्ता में नारद जी जा रहा था, इतने में जंगल में देखा जो कई जगह पशु पड़ा, एक जगह हरिन एक जगह सुकर एक जगह दूसरे ये पड़ा हुआ है, नारद जी सोचे किसने मारा, फिर आगे चलना शुरू कर दिया तो दूर से एक आवाज आया, हे हटो हमारा रास्ता से, बोले कौन बोल रहा है, देखे भयंकर एक वैद है, वैद जानते हो जो मारता है ना पशु पक्षी को, बोले एकदम काला एकदम वो है, बोले हमारा रास्ते से हट जाओ, तुम्हारा लिए हमारा शिकार देखो खराब हो गया, देखो भागा कुछ नहीं कर पाए। तो नारद जी बोले रास्ते पे जो देखा 2-4 पड़ा हुआ है तीर आप ही ने मारे हो, वहां हम मारा है, हम मारा है, हम ही मारा है, तुम मरे हो, हाँ हाँ हम मरे, क्यों क्या हुआ, बोले तुम्हारा पास मेरा एक विनती है, जब भी किसी को मारो तीर से, अब तो मेरा बात तो सुनोगे नहीं, मारोगे जरूर, मारोगे तो एकदम ऐसे मारो कि तुरंत मर जाए, वो छटपटाते रहे वो, ऐसा मत करो। बोले क्यों, आपका क्या फायदा होगा इसमें, हम मारे आधा मारे पूरा मारे तो हमारा मामला है, वरना आधा मरने से उसका जो कष्ट होता है तड़पते हुए जो मरता है इसमें तुम्हारा भयंकर कष्ट मिलेगा, ये जन्म नहीं दूसरे जन्म में तुम्हारा इतना, जैसे सूरत राजा को नारद जी ने दिखाया, राजन तुम इतना यज्ञ करके इतना पशुओं को बोली में चढ़ाया और देखो सब खड़ा हुआ है और तरवाल लेके तुमको काटने के लिए, जन्म जन्म में तुमको काटेगा, जन्म जन्म तुमको काटेगा, देखो
तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, तुम उस लोगों को काटे हो और तुम्हारा लिए वो खड़ा हुआ है। इसलिए सूरत राजा ने डर गया, बाप रे बाप ये सब खड़ा हुआ है मेरे को काटे को। बोला जब वैद्य को ऐसा बताया, वैद्य बोले इसमें आपका क्या फायदा। बोले देखो आधा मारोगे तो इतना कष्ट होता है उसका, वो कष्ट कष्ट देके मारना ठीक नहीं, पूरा मारो। और ऐसे जो मर रहे हो जन्म जन्म में तो लोग तुमको भी ये लोग मरेगा, जो प्राणी को हिंसा करते हो ना सारे ये सब प्राणी तुमको भी मरेगा। अच्छा हाँ तुमको मार तो कैसे, इतना बड़ा पाप हुआ आपका, फिर इसके इससे छुटकारा कैसे मिले। बोले छुटकारा मिलेगा, तुम एक काम करो, तुम जितना आपका तीर धनु है उसको तोड़ फोड़ के फेंक दो पहले। अरे तोड़ेगा तो खाएगा क्या, खाना हम भेजेंगे कोई चिंता नहीं, तोड़ो तो सही, आप तोड़ो फेंको। उसको फोड़ दिया, जाओ नदी में नहा के आओ, नदी में नहा के आए। सच्चा घटना है, पुराण से बताया महाप्रभु। तो नहा के जब आया उसको हरिनाम दिया, कौन नारद जी हरिनाम दिया, उसका पत्नी है उसको हरिनाम दिया। हरिनाम दे के बोले इसी नाम को जपते रहो, खाना पीना आते रहेगा, कोई चिंता मत करो। तो एक कुटिया बनाए, पत्ता फूस देकर कुटिया बनाए, उसका अंदर में बैठ के हरिनाम करते रहे। नदी में तीन दफे स्नान, तपस्या, भजन और खाना पीना, तो खाना शुरू कर दी। नारद जी एक दफे बहुत दिन बाद पर्वत मुनि को लेकर बोले चलो हमारा एक शिष्य को देख के आओ, हमारा एक शिष्य है उसको देख के आओ, बोल के लेके गया। पर्वत मुनि का साथ वो गए उधर और दूर से देखी गुरु जी आ रहा है। आने के बाद क्या क्या, अपना कपड़ा को खोला, ऊपर का कपड़ा खोल के भूमि को झाड़ना शुरू कर, साफा करना करके दंडवत होके गिरा, गुरु जी आ रहा है। गुरु जी आए तो पर्वत मुनि बोले ऐसा क्यों झाड़ा क्यों है। बोले झाड़ा इसलिए है कोई चेटी भी मर जाए तो ये उसका मंजूर नहीं होगा। बोले ऐसा वैद्य का हालत ऐसा कर दिया आप, जो वैद्य है वो पशु मार के खाता था, उसका हालत आपने ऐसा बना दिया कि एक चेटी भी उससे ना मरे, ऐसा चिंतन है, अहिंसा गुण आ गया। नारद जी पूछे क्या खाना पीना आता है, भोजन आता है। अरे महाराज मत पूछो, ऐसा भोजन मत भेजो, इतना भोजन क्या करें हम, दोनों आदमी का जितना लगे उतना ही भेजा करो, ठाकुर जी हमको भी इतना भेज देते क्या करें हैं, भोजन जितना लगे उतना ठाकुर जी को, नारद जी को बोले। ऐसा ही भाव है जब रामायण लिखने वाले जो वाल्मीकि मुनि हैं वो भी रत्नाकर दस्यु थे, उसका जिंदगी भी देखो, वो भी राम नाम, जब राम नाम आया ही नहीं मरा 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 मरा, और राम नाम आएगा ही नहीं मरा मरा जपते जपते बाद में राम आ गया राम नाम, तो उसका सिद्धि हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु का शिखस्ट गए इसमें, आप गप आप सोचा कि ये गप है, नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्तार पिता नियमित स्मरणे न काल, ये जो बताया महाप्रभु ये सच्चा है। सही ढंग से नाम करते रहो तो सारे समस्या का टोटल समाधान हो जाएगा, लेकिन नाम करोगे नहीं अपराध करोगे, खाओगे पियोगे विषयी रन्नो खाई ले मलिन है, खूब खाओ कचूड़ी पूड़ी हैं काजू खाते रहो, अब विषय रन्नो खाई ले मलिन है, मलिन मन होने से भजन नहीं बनेगा, भगवत का स्थिति नहीं आएगा, बहुत मुश्किल। ऐसा करते करते देखो जब ठाकुर जी ने बोले तुमको संसार में जाओ ऐसा ऐसा है, जाके गोदी को संभलो, तुम राजा बन के बैठो। बोले ना हमको इच्छा नहीं है। बोले तुम्हारा इच्छा नहीं लेकिन मेरा इच्छा है, तुम्हारा तो इच्छा रही नहीं, तुम्हारा इच्छा सब खत्म हो गया लेकिन ये मेरा इच्छा रहा, अब जाओ जाके उधर जाके सिंहासन में बैठो। और 36,000 साल धूप महाराज जी राजगद्दी पे बैठा सुंदर। ऐसा करते करते ठाकुर जी का भक्ति की, और जब जब मनुपुत्र जब मनुपुत्र उत्तानपाद को खबर आया कि आपका लड़का जो है जंगल से वापस आ रहा है, तो अब ये जो उत्तानपाद पागल हो गया, ऐसे तो रो रहा था हमारा बच्चा कहाँ गया, हम इतना दुष्ट है
एक बच्चा मेरा मासूम बच्चा मेरा गोदी में बैठना चाहा, हा अपना इतना स्त्री स्त्री का इतना वश में हूं मैं, जो बच्चा उठना चाह मेरा गोदी में कि क्या नुकसान, उठने नहीं दिया तो बच्चा चला गया, शायद कोई जंतु जानवर ने खा लिया होगा बच्चा को, जंगल में गया तो कोई पशु ने खा लिया होगा, ऐसा करके दुख के रो रहा था फुट फुट। इतने में खबर आ गया कि ध्रुव महाराज आपका राजधानी में आ रहा है। ध्रुव महाराज जब राजधानी में आ रहा था तब तक तो राजा एकदम सारे व्यवस्था किया, चारों नगर को मंडन किया, केले के पेड़ और सारे जो है बहु रत्न हीरे मोती मानिक से पूरा नगर को मंडन किया, पूरा नगर को सज्जित की और पूरा चंदन का पानी पुष्प वृष्टि ऐसा करते करते पूरा। तो ध्रुव महाराज जी आए और ध्रुव महाराज जी को पकड़ने के लिए पिताजी दौड़ के गए, आलिंगन किए, गोदी में उठा लिया प्यार करते हुए। अब आए वापस, आने के बाद सारे समाधान है, आके आने के बाद उसका अभिषेक हुआ बाद में। यह एक सुंदर सिद्धांत तो है, इसको याद रखना, जिसका ऊपर ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न है, गुरु वैष्णव प्रसन्न है, तो इसका ऊपर जगत का सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, नियम है। लेकिन विदेशी जो है गुरु वैष्णव का विदेश का, तो उसका हृदय में प्रसन्नता नहीं आएगा। यहां सिद्धांत है, यस्सो प्रसन्न भगवान गुणैर मित्रा देवीर हरिहि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न मापो इवो स्वयं। जैसे पानी ऊंचा जगह से नीचा जगह आता है ना, ऊंचा जगह से नीचे, ऊंचा जगह वाली स्वर नीचे जगह, ऐसे ही जिसका ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न होता है, जिसका अंदर में त्रिनाद सिद्ध हुआ है, उसका ऊपर ठाकुर जी स्वतः प्रसन्न है और सारे प्राणी जो है उसका ऊपर अपने आप उसका अनुकूल हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जंगल में जाने का समय सर्वभूत प्रसन्न आत्मा था ना, सारे भूतोग्राम उसका तरफ से जवाब दे रहे, ऐसा है। और अहंकार रूपी, जब तक अहंकार रूपी गर्व पर्वत, टीकाकारों ने बताया हमारा चैतन्य चरितामृता में, पौपाद जी भक्तिवीर ठाकुर, जब तक अहंकार रूपी गर्व पर्वत हृदय में विद्वान होता है, तब तक गुरु वैष्णव का जो वाणी है, जो अप्राकृत विद्वा है, वो टिक नहीं पाता। अहंकार का जो पर्वत है, अहंकार का पर्वत, वो अहंकार का पर्वत का ऊपर बारिश जैसे ऊपर में पहाड़ी का चट्टी में गिरे तो नीचे आ जाता, ऐसा टिकता नहीं। कृपा तो गुरु वैष्णव सब कोई को करते हैं, लेकिन किसी किसी का ऊपर कृपा टिकता नहीं, क्योंकि अहंकार है। तीन आदमी हर हालत में सिद्धि हो जाए तो होगा। इसके बाद ध्रुव महाराज जी का जिंदगी में जो होना है वही हुआ, जो बताया था, जो गया खबर, उसका बाद ध्रुव महाराज जी राजगद्दी में बैठे और जब खबर आए कि भाता जो है उत्तम मारे गए, उसका बाद माता जी जंगल में गया और दवाग्नि में जल के वो भी खत्म हो गए, अभी निष्कंटक है, ऐसा करके प्रजा पालन किया। लेकिन ध्रुव महाराज का अंदर गुस्सा आया जे हमारा भाई को मारा, दक्ष लोग में क्षत्रिय तो है ही है, क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय है, ध्रुव दक्ष गणों के साथ लड़ाई करने के लिए जंगल में गया और एक एक दक्षों का साथ लड़ाई, अलोकापुरी है ना, अलोकापुरी, ये दक्ष लोग जो है शंकर भगवान का भजन करता है, उपदेवता, इसका नाम है उपदेवता, देवता नहीं है, उपदेवता है, उपदेवता, अपदेवता, अपदेवता जानते हो, अपदेवत भी है, उपदेवता अपदेवता बहुत सारे, श्यामानंद प्रभु जो है इसका चरित्र में देखा, केसियाड़ी बोल के एक जगह है परम जो संत गोस्वामी महाराज का मठ उधर बना है, वहां एक मंगला देवी बोल के एक देवी है, वो देवी है, वो रक्त मांस खाते थे, एक बच्चा को खा गया पूरा,
अपदेवता, उसका इधर खून खून लगा था मंगला देवी। बाद में श्यामानंद प्रभु का कृपा मिलकर फिर ठीक हुआ। ऐसा देवता अपदेवता ऐसा बहुत सारे मिलता है। यहाँ जो है जो ये जो ये जो दक्ष लोग जो है, दक्ष लोगों का साथ लड़ाई हुआ और ध्रुव महाराज का जो भाई है उत्तम, उसका शरीर शांत हो गया और इसलिए ध्रुव महाराज गया तो हमारा भाई का मृत्यु का बदला लेंगे, बदला लेके गया ठाकुर जी का, ये सही। और जाके बड़ा लड़ाई हुआ, उसमें क्या हुआ, बहुत दक्ष जो है मारे गए और मरने के बाद जो है स्वयं मनु जी महाराज आए। मनु जी बोले जे ध्रुव पोता है, ध्रुव पोता है ना, पोता के बोले बेटा तुम क्यों क्यों मार रहे हो, तुम ये जो बेकार ये लोग क्यों मार रहे हो, तुम्हारा भाई का जो मौत हुआ ये लिखा हुआ था तकदीर में, जैसे सर्प यज्ञ किया ना कौन जन्मे जाए, तो बाद में उसको प्रार्थना किया तुम क्यों मार रहे हो, ये सब लोगों तो तुमको मारा नहीं, तो सारे सब सांप का खानदान को तुम मारोगे तो ठीक नहीं है, लिखा हुआ था इसका तकदीर में ऐसे ही हुआ, तो सर्प यज्ञ बंद हुआ, नहीं तो सर्प यज्ञ करके सारे सांपों को मारने के लिए व्यवस्था किया था। ऐसा ही मनु महाराज आए, तुमने बड़ा भारी अन्याय, ये उचित नहीं है, इसका तकदीर में था ऐसा ही उसका जिंदगी जाएगा, तो लड़ाई हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, बोले तुम कुबेर को संतुष्ट करो, तुमने आप अन्याय किया, बोल के कुबेर सामने आए, कुबेर का स्तप किया, कुबेर जी महाराज आशीर्वाद दिया, कुबेर जी महाराज। और उसके बाद जो है ध्रुव महाराज वापस आए, सब दुखों को छोड़ दिए। और इसके बाद जो है ध्रुव महाराज जी का अंतिम समय आए, 36,000 साल राजगद्दी पे बैठे, सिंहासन में बैठ के प्रजा पालन आदि की। उसके बाद उसका सिद्धि का समय आ गया, क्योंकि ठाकुर जी बोल के अंतिम में मेरा पद को प्राप्त करोगे बोल के रखा है ठाकुर जी। उसके बाद एक विमान आया, विमान में नंदो सुनंदो जो भगवान का पार्षद है, और ध्रुव महाराज देखी जे वे दिव्य विमान आया है। ध्रुव महाराज को बोले आप पधारो विमान में उठो, ध्रुव महाराज विमान को चढ़ने गए तो एक भयंकर एक व्यक्ति आया, देखने में कुत्सित दैत्य दानव जैसा राक्षस का माफी, आके बोले ए कहाँ जा रहे हो, तो ध्रुव महाराज बोले आप कौन है जो मेरे को पूछने वाला, बोल मेरा नाम है मौत है, मेरा नाम है मौत, मौत मेरा नाम है, मेरे को उल्लंघन करके आज तक कहीं जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, मेरा नाम है मौत, मौत को ठुकरा कर मेरे को उल्लंघन करके किसी को जाने की हिम्मत नहीं है, ये दुनिया का ही विचार है। बोले ठीक है चलो, बोल के ध्रुव महाराज जी ने क्या की, मौत का वो जो मौत है, मौत का सर पे पैर रखा, एक पैर मौत का सर पे रखा और दूसरे पैर विमान का अंदर रखे चला गया, जाओ हो गया। आज ध्रुव महाराज पहले पूछा, अंतर मन में विचार आया मेरा मैया कहाँ गई, मेरा जो सुनीति मैया, तो भी वो लोग दिखाया तुम्हारा मैया पहले से ही बैठी हुई है, चलो करके जो महाकाल के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला जो स्थान है उसका नाम है ध्रुव पद। महाप्रलय में भी वो स्थान कुछ नहीं होता, उसका नाम है ध्रुव पद। वो ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया और ध्रुव पद चले गए। ध्रुव महाराज आज भी उधर प्रार्थना करो तो ध्रुव लोग में अभी भी है और सुने, तो ध्रुव महाराज का आज तो जल्दी ये करना पड़ेगा, भोजन करे सब हाँ नहीं तो इधर जो है इधर धीरे धीरे विष्णु धाम को प्राप्त हो गए धीरे धीरे और मैया को लेके ऐसा है। इसके बाद ध्रुव महाराज का खानदान पे आगे चलकर
अंग राजा बोल के एक राजा पैदा हुआ, धार्मिक राजा, अच्छा राजा है ये राजा जो है। ध्रुव महाराज का 14 पीढ़ी होगा शायद, हमने भूल गया, 14 पीढ़ी होगा। तो जो भी है हम देख के बताएंगे आपको विचार, शायद हमारे पास लिखा हुआ है सब। जो ये अंग महाराज जो है राजा हुआ, ध्रुवो का लड़का उत्कल है, उत्कल राजगुदी से ध्रुव महाराज चला गया, उसके बाद उत्कल है, उत्कल उत्कल का बाद उसका जो परंपरा जो है आते हुए है राजगुदी संभाल ले। उसके बाद अंग महाराज राजा हुआ, बड़ा धार्मिक राजा, लेकिन अंग महाराज का कोई लड़का लड़की नहीं हुआ, बड़ा दुखी थे, बोला हम राजा है हमारा कोई लड़का लड़की नहीं है, बच्चा नहीं है। तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, उसमें ऋषि लोग ने यज्ञ करके उसको जो यज्ञ में आहुति दिया, उसके बाद परमाणु दिया, परमाणु जानते हो ना, परमाणु खीर, खीर दिए, और उस परमाणु के अंग राजा ने ऐसा करे सूं के अपना जो बीवी है बीवी को दे दिए, बोला आपने खाओ। भोजन करने के बाद वो परमाणु भोजन कर गर्भ संचार हुआ, गर्भ हुआ। सब डिपेंड करता है स्थान काल और पात्र, सब चीज। ये बड़ा इतना गंभीर चीज है गर्भोधान संस्कार, ये कोई नहीं जानता। आजकल के समाज में किसी का बुद्धि नहीं, जानता ही नहीं। 10 संस्कार है, उसमें गर्भ संस्कार सब बहुत बड़ा चीज है। मैया का गर्भ का संस्कार हो जाए, उसके बाद गर्भ संचार हो, उसके बाद लड़का, ये जो है। और जिस समय गर्भ संचार हो वो बड़ा भारी काम का, नहीं तो किस समय लड़का अच्छा अच्छा लड़का होता, कोई डाकू लड़का होता, होता ना है बदमाश लड़का होता, कभी बहुत धार्मिक लड़का होता। समय का ऊपर सब डिपेंड करता है, निषेक का टाइम, निषेक फर्टिलाइजेशन का टाइम और जन्म का समय, दोनों का ऊपर। बहुत सुंदर विचार है। तो ये जो है अंग महाराज जो परमाणु यज्ञ से प्राप्त हुआ उद्या, वो परमाणु खाने के बाद बीवी का गर्भ संचार भाई, और ये जो बीवी है, और बीवी जो है इसका क्या हुआ, बोले इसका तो ऐसा है लड़का हुआ, लेकिन वो लड़का जो है बड़ा बदमाश लड़का है। अंगराजा का जो लड़का हुआ ना जाने किस समय का फेर होगा, शायद ठाकुर जी का ऐसा खेल है। बहुत दुष्ट लड़का पैदा हुआ, बदमाश, उसका नाम है बेन राज। बेन का अत्याचार से अंगराजा धार्मिक राजा बड़ा दुखी भय, बोले महाराज लड़का नहीं था तो अच्छा था, अभी लड़का हुआ तो ऐसा लड़का हुआ जिसको। उसके बाद प्रजाओं का ऊपर ये अत्याचार करता है, इतना बदमाशी करता है। बाद में अंग महाराजा दुखी होकर बोले दुख तरीका बोल के जंगल में चले गए, हम जंगल में चले गए, रहा सिंहासन में रहा ही नहीं। जब अंग महाराज जब जंगल में चले गए तो ये राज्य जो है राजगद्दी खाली है, कोई राजा नहीं, अराजक माने राजा नहीं है। तो उसमें पूरा राज्य राजधानी में पूरा अत्याचार फैल गया चारों ओर, क्योंकि डाकू बदमाश जो है सारे अत्याचार कर रहे। इतना अत्याचार चल रहा है कि डाकू बदमाश चोर सारे हो रहे हैं ऐसा। उस समय में क्या हुआ, ऋषि मुनियों ने सोचा राजगोदी में कोई बैठे तो सही, ना बैठे तो खाली रहे तो बदमाशी करे, कोई रूलर्स नहीं है शासन करने वाला। तो बेन को बोले तुम उदमबाजी बंद करो और तुम गद्दी में बैठ जाओ। गोदी में बैठाया, और गोदी में बैठने का बात क्या हुआ, उसने पावर लेके और बदमाशी शुरू कर दी। सारे जितना जाग जोग है पूजन है सारे बंद कर, ए किसका जोग कर रहे हो, किसका पूजा कर रहे हो, हमारा पूजा करो, राजा ही तो सबसे ऊपर है। बोले देश में अपना राज्य में जाग जो कुछ जितना सारे हैं सारे बंद करा दिया। ऋषि मुनियों ने समझाया ये क्या कर रहे हो आप, बोले चुपचाप रहो, मैं जो कहूं वो सुनो, जाओ। इतना अत्याचार बढ़ते रह गए कि ऋषि लोगों ने बड़ा असंतुष्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसको अपना तेज से जला दिया, जा अपना तेज से जला दिया पूरा, ब्राह्मण लोग जो है जो ऋषि जो है जला दिया, वो जल के पड़ गया, आंखों का सामने जला दिया एकदम।
जा मर जा बेटा, बोल के बात सुनता नहीं। जब मर, जब जल के पड़ गया, जला हुआ, उसके बाद उसका अंग, वो जो अंग का पत्नी होता बेन राजा का जो मैया है, मैया ने अपना औषधि में शरीर कुछ रख दिया। औषधि जानते, औषधि मेडिसिन है। अभी भी आप जाओ 2000-2500 साल पुराना मोमी, उसको बोलता मोमी, मिसर में जाओ, मिसर, मिसर बोल के देश है, उसमें अभी भी जाओ, उसमें देखोगे 2000-2500 साल का पुराना मुर्दा है, मोमी का, मोमी बोलता मेडिसिन है, फॉर्मिक एसिड और सारे सारे चीज है, औषधि, औषधि में भिगा के रखता है, ऐसा है। तो ये जो है औषधि में उसको भिगा के रखा है, और अंतिम में राज्य में और अव्यवस्था फैल गया, तो ऋषि मुनि ने सोचा क्या किया जाए। तो बाद में क्या किया, वो मुर्दा को, वो जो औषधि में भिगा हुआ था, वो भी कोई ठाकुर जी का कारण है, उसको निकाला गया। निकाल के ऋषि मुनियों ने इसका जो ये जो उड़ू है, उड़ू को मंथन की, उड़ू को मंथन करने बाद निषाद एक है बोल के, एक काला सा एकदम देखने में बहुत कुत्सित, वो निकाला निषाद नीचा, और निकाल के इतना कुत्सित देखने में, और बोल रहे क्या करे, बोले तेरे कुछ नहीं करने का दरकार, बैठ जा, बोल के उसको भगा दिया। वो जंगल में गया, उसका ही जो वो जो खानदान है, वो जंगल में रहता है ना, जैसा पहाड़ी इलाका में कोल भील सांवताल निषाद, वो जो नीचा जात, वो उसका खानदान जो है वो चल रहा है। आपका हृदय में ये विश्वास नहीं होगा, कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होगा। तो प्रमाण अगर ले लो तो इसमें देखोगे ब्रह्मा जी का जो अभी, ब्रह्मा जी का जो अभी का सृष्टि का व्यवस्था है, समझा नहीं मेरा बात, ब्रह्मा जी का कृपा से वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें जो सृष्टि का व्यवस्था, ये एक बच्चा जन्म लेता है फिर पिताजी मरे, ऐसा पहले ऐसा नहीं था। ब्रह्मा जी का मानव सृष्टि था ना, ब्रह्मा जी का मानव सृष्टि था, मंत्र सृष्टि, मानव सृष्टि बहुत सारे। उसके बाद आधुनिक जो वर्तमान जो सृष्टि का पद्धति अभी आया, पहले नहीं था, बहुत पहले नहीं था। तो अंग राजा का ये खानदान तो एकदम खत्म होने वाला है, कोई नहीं है। बाद में क्या हुआ, जब निषाद को जंगल में भेज दिया, तू जा जंगल में जा देखने में एकदम, उसके बाद उसका जो बाहु है, ये दो बाहु को मंथन किया, एक बाहु को मंथन किया डायना हाथ को, बाहु को मंथन किया तो उसने पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ, पृथु महाराज, और बाया हाथ का मंथन किया, उसमें से क्या हुआ, इनकी जो पत्नी है ओरछी देवी, ओरछी का आविर्भाव हुआ। क्यों, महाभारत में ये प्रसंग आता है, द्रुपद राजा यज्ञ किया था, द्रुपद राजा यज्ञ किया था, यज्ञ स्थल में आंख से, द्रुपद राजा महाभारत में द्रुपद राजा यज्ञ किया था, यज्ञ स्थल से द्रौपदी देवी और द्रौपदी देवी का भाई जो है निकाला था, यज्ञ स्थल से निकाला था आंख से। तो किसी का ये सब विश्वास नहीं होता आजकल का जमाने में, बोले कैसे हो सकता, आंख से निकाला द्रौपदी, ऐसा जन्म हुआ। जो भी है, इधर जो बाहु मंथन किए उससे पृथु महाराज का आविर्भाव हुआ, पृथु महाराज और पृथु का पत्नी अर्ची का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे ये है जो ध्रुव महाराज नित्योधाम को बदल गए, उत्कल भी है, उत्कल भी वन में चले गए बाद में, सब सारे राजा का यही कहानी, जो भजन करते करते अंतिम समय में, अंतिम समय में ठाकुर जी का पास जंगल में चला जाते, भजन करना ही नियम है। 60 साल तो मैक्सिमम लिमिट था, आजकल ये व्यवस्था नहीं है। पहले नियम था जन्म ग्रहण किया, गुरु गृह में जाओ, शिक्षा ले, उसके बाद शिक्षा लेने के बाद इच्छा हुए तो ब्रह्मचर्य बन, ब्रह्मचारी बन के रह जाओ, नहीं तो घर में जाओ, गृहस्थी धर्म को पालन करो, और मैक्सिमम 60 साल तक, 60 साल के बाद वानप्रस्थी लेके चले जाओ,
वानप्रस्थ कुछ दिन करने के बाद इच्छा हुआ तो संन्यास ले लो, ये नियम था। सब देखो जितना सारे राजा, पृथ्वी महाराज, ध्रुव महाराज, किसका बारे में बोलोगे, सब यही नियम था। लेकिन आजकल कोई सब व्यवस्था है नहीं, जैसे अव्यवस्था फैली हुआ चारों ओर। ऐसा करके अंग महाराज तो जंगल में चले गए, अभी इधर व्यवस्था। अंग महाराज के खानदान पे बेन, बेन का शरीर को मंथन करके आपका पृथ्वी महाराज का आविर्भाव, पृथ्वी महाराज अर्ची। और इसके बाद क्या हुआ, ध्रुव, ये जो पृथ्वी महाराज, देवता लोग जितना सारे ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि इनके स्टॉप करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनि जो है इनके स्टॉप करना शुरू कर दिया। पृथ्वी महाराज बोले कि आप मेरा स्टॉप क्यों कर रहे हो, किस बात की स्टॉप, भले आप तो मेरे को जानते ही तक भी नहीं, अभी तो मेरा आविर्भाव हुआ, अभी तो मेरा आविर्भाव हुआ। पृथ्वी महाराज जो आविर्भाव हुआ कि ऐसा छोटा बच्चा बन के नहीं हुआ, ऐसा मंथन किया पृथ्वी महाराज का आविर्भाव हुआ। और ऋषि मुनियों को बताया कि आप लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, स्तुति क्यों कर रहे हो, स्तुति किस बात की, आप तो जानते तक नहीं हो मैं कौन हूं। ऋषि मुनियों ने, हम लोग जानते हैं आपका आविर्भाव बेकार नहीं है, आपका चरण चिन्ह, आपका चरण तल में जो चिन्ह है, हाथ जो चिन्ह है, आप साक्षात भगवान का अवतार है, शक्तावेश अवतार पृथ्वी महाराज। ये पृथ्वी महाराज का जो चरित्र है, इसका बारे में थोड़ा सायंकालीन अधिवेशन में हम बताना शुरू करें। अब पारण का चक्कर है, सब भोजन करेगा, इसलिए इधर ही हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पारण करे, पारण का टाइम है ना, कष्ट होगा लोगों का, तो जो भी है चलो इसी इधारी खत्म करे। तमादिदेवं पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सुतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भगवतो स्वरूपम वांछ कल्पतरुष के बासिंध व्यवच पतितानं पावन वैष्णव्यो नमो। या तुरंत सारे नौ का अंदर पारण कर लेना, सारे नौ का अंदर पारण कर लेना, कुछ नहीं है तो इधर से चावल फाल कुछ लेके पारण नहीं किया जाए तो व्रत खराब हो जाता है। सही वक्त पर पारण नहीं किया जाए तो